है, परंतु कोई चलना सीख जाए उसके रास्ते पर तो जीवन धन्य बन सकता है। आप मत सोचना कि हम ग्रस्त में हैं, काम काज करते हैं, भगवान तक नहीं पहुंच सकते। नहीं नहीं मेरे भाई बहन, या तो परमात्मा ने कहा मैं सबके लिए सुगम हूं, यदि परमात्मा सुगम नहीं होता तो सबरी के घर तक भगवान कैसे पहुंच जाते। सबरी रे घर ऋषि 88 ताप का एकण बन माई, एक ही बन में ऋषि 88,000 ऋषि ताप रिया, उनके वहां भगवान नहीं गए, सबरी के वहां भगवान पधार गए। क्यों गए? क्योंकि वैसा प्रेम होना चाहिए, सबरी जैसा प्रेम। भगवान पढ़ाई लिखाई नहीं देखे, भगवान आचार विचार नहीं देखे, भगवान ऊंच नीच नहीं देखे, कौन बड़ा है कौन छोटा है। अरे वो परमात्मा के घर सब एक हैं, सब एक हैं। यदि एक नहीं होते तो विद्रोणी के घर भगवान नहीं पधारते, केले के छिलके नहीं खाते। यदि एक सब एक नहीं होते तो सबरी के वहां, गीत के वहां, केवट के वहां भगवान नहीं पधारते। अरे निषाद को अपने गले से भगवान नहीं लगाते। भगवान के लिए सब एक है, हमारी भ्रांतियां अलग अलग है, और एक बनकर के जीवन को कैसे दिव्य बनाए, यही जीवन है मेरे भाई बहन। जिस दिन अपने एक दूसरे के प्रति प्रेम से जीवन सीख जाएंगे, जीना सीख जाएंगे, जिस दिन हम प्रार्थना करते करते जहां आप हैं वहां मन में तड़प पैदा हो जाएगी, हे भगवान कब मिलोगे, मीरा की तरह, हरिदास की तरह भगवान से मिलने की प्यास प्रकट हो जाए। जिन आला रे सामने, भगवान रे आला रे सामने बैठा बैठा दो आंखों में आंसू आने लग जाए, देखो कि भगवान के प्रति प्रेम जगा है। और कहीं होठों से की गई मंत्रों की पूजा भगवान तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, आपके हृदय से की गई प्रार्थना और नेत्रों से बहा हुआ पानी भगवान तक पहुंच जाता है और आपको भगवान के नजदीक ले जाता है। उसी प्रेम को प्रकट करने की कोशिश करें। कथा करती क्या है, हमारे जीवन की व्यथाओं को दूर करके भगवान के नजदीक पहुंचाती है। जैसे जैसे कथा सुनते हमारा प्रेम प्रभु से बढ़ने लगता है, प्रीत प्रभु से होने लगती है। कथा यही करती है, 9 दिन से आपके हृदय को मांजने का काम करती है। बर्तन मांजे जन बर्तन साफ है, और कथा कहीं करे आप हृदय ने मांजना कोशिश करे, हृदय मजेगा तो भगवान जरूर मिलेंगे। हृदय को तो मांजना है, इस दर्पण, ये हृदय हमारा दर्पण है, इसको साफ कीजिए आपका चेहरा भी दिखाई देगा, और ये हृदय साफ होगा तो परमात्मा भी दिखाई देगा। उस प्रभु तक पहुंचना है, यही करना है। एक बार भाव और प्रेम के साथ में जिन लोगों का नाम आयो नहीं आयो, अब दनु हाथ ऊपर कर प्राण जोर सो जय बोलोला थाने सबरा मन रा पुष्प भगवान ने शीर्ष रणा में चढ़ चुका होला। भाव सो एक बार जय जयकार करते हुए सीधे कथा में प्रवेश करेंगे। अविलंब भाव से प्रेम से दोनों हाथ ऊपर करते हुए बोलिए, देवों के देव महादेव की जय।
नमो भगवते वासुदेवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षेयमामृता मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितो कर्म बंधने वंदे देवयुमाबतिं सूरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वाहनी नयनम् वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनांशयं च वरदम् वंदे शिवम् शंकरं सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाग्रंथं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। त्यक्त्वा सुदुस्तजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयतयेप्सितमन्वधावत् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं
नमस्कृत्यं नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसक्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना नांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादिन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारममूलेश्वरम् परल्यनाम वैद्यनाथं च डाकीन्याम भीमशंकरं सेतुवंदे रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालयं तु केदारं गुष्मीशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः बोलिए श्री उमापति महादेव की जय श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री बालकृष्ण भगवान की जय श्री पवन सुत हनुमान की जय श्री जगदम्बे माथ की जय श्री सूत जी महाराज की जय श्री शौनक जी महाराज की जय श्री गौ मात की जय श्री आलम जी महाराज की जय श्री गौ माँ श्री सद्गुरु देव की जय। दो मिनट आप सभी लोग भगवान का ध्यान करेंगे और प्रार्थना बोलेंगे। जो प्रार्थना मैं बोलूँगा उसे दोहरानी है। सभी लोग हाथ जोड़ें। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी, आप अपनी सुधामयी, सुधामयी सर्वसमर्थ, सर्वसमर्थ पतित पावनी, पतित पावनी अहेतु की कृपा से, अहेतु की कृपा से मानव मात्र को, मानव मात्र को विवेक का आदर, विवेक का आदर तथा तथा बल का सदुपयोग, बल का सदुपयोग करनी
का सामर्थ्य करने का सामर्थ्य प्रदान करें प्रदान करें एवं एवं हे करुणा सागर हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें राग द्वेष का नाश करें सभी का जीवन सेवा सेवा त्याग त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए परिपूर्ण हो जाए बोलो राम बोलो राम। राम राम बोलो भाई हरे राम बोलो 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 क्यों राकरम कतु जावे महारा भाईरा जावे महारा साथीरा राम राम बोलो तारकिया डाकरम कतु जावे महारा भाईरा जावे महारा साथीरा राम राम बोलो बोलो रे भाई हरे राम बोलो बोलो रे भाई हरे राम बोलो रे थोड़ा सा जीवन में जहर नहीं घोलना 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 धीरा चुगिया धीरा चुगिया में भूल जावे हो थारा भूल जावे राम राम बोलो भूला चुगिया में भूल जावे हो थारा भूल जावे राम राम बोलो रे बोलो रे भाई हरे राम बोलो बोलो रे भाई हरे राम बोलो रे
असंख्य जुगासु तुम्हारा हसलो असंख्य जुगासु सु तुम्हारा हसलो असंख्य जुगासु सु तुम्हारा हसलो असंख्य जुगासु सु तुम्हारा हसलो काम क्रोधी काम क्रोध माया में फसी जो काम क्रोध माया में काम क्रोध माया में फसी जो सतगुरु आई सतगुरु आई जगायो महारा भाईरा जगायो महारा साथीरा राम राम भोरे सत्य गुरु आए छुटायो मरा भाईरा छुटायो मरा सतीरा राम राम बोलो रे बोलो रे भाई हरि राम बोलो रे बोलो रे भाई हरि राम बोलो रे गुरु राजा रामजी मन सापूरी 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 जगनी छोड़ में करे सबूरी जगनी छोड़ जगनी छोड़ में करे सबूरी जगनी छोड़ में करे सबूरी गुरु कृपा राम प्रभु कृपा राम गुरु जी बलिहारी हो गुरु जी बलिहारी राम राम कहे कृपा राम गुरु जी बलिहारी गुरु जी बलिहारी राम राम बोलो बोलो रे भाई हरि राम बोलो रे बोलो रे भाई हरि राम बोलो रे राम राम बोलो हरि राम बोलो राम राम बोलो भाई राधे श्याम बोलो राम राम बोलो भाई हरि राम बोलो राम राम बोलो भाई हरि राम बोलो हरा तुम्हारा करम तक जाकर तुम्हारा भाई तक जावे मान साथीरा राम राम बोलो जब हरा भाईरा जब हरा सखीरा राम राम बोलो रे हरा तुम्हारा करम तक जावे मारा भाईरा जावे मारा साथीरा राम राम बोलो रे योड़ा करम तक जावे मारा भाईरा जावे मारा सखीरा राम राम बोलो रे भाई हरि राम बोलो रे बोलो रे भाई हरि राम बोलो रे बोलो रे भाई राम राम बोलो रे बोलो रे भाई हरि राम
राम बोलो राम राम हरे राम बोलो हरे राम बोलो राम राम बोलो हरे राम बोलो सगुण साकार निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मांड नायक परम कृपालु परम दयालु सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सर्वगुण निलय साधु जन रंजन मुनि मन रंजन भव भय भंजन दुष्ट निकंदन अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु आदिनाथ भोलेनाथ शाम्ब सदाशिव देवो राधेव महादेव ऋषि चरणों में वंदन करता हुआ जगत जननी माँ अम्बा पर अम्बा जगदम्बा भवानी मातृ चरणों में वंदन करता हुआ भगवान शंकर जिरोही वांगमय वाणीमय शब्दमय स्वरूप श्री शिव महापुराण में वंदन करता हुआ अनेक वीतराग ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ तेजस्वी तपस्वी तपोनिष्ठ सभी संतों ने वंदन करता हुआ परम पूज्य आदरणीय श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री आलम गौशाला संस्था के तत्वावधान में आयोजित शिव कथा के अष्टम दिवस में पधारे हुए आप सभी भगवत भक्तगण पितातुल्य बुजुर्गों युवा साथियों वात्सल्यमयी भक्तिमयी माताओं बहनों सबरो यथा योग्य अभिनंदन अभिवादन करता हुआ शिव कथा रे आठवें दिवस में सेकंड लास्ट डे अपन लोग इन कथारो आनंद ले रही हैं प्रवेश कर रही हैं इन कथा में भगवान शंकर जी बड़ी अनूठी अनुपम कथारो लाभ आप सभी लोग ले रही हैं भगवान शंकर ज्यारे जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातें इन पिछले सात दिनों में आप लोग सुनी हां समझी हां कुछ बात आज हम लोग सुनेंगे समझेंगे शंकर भगवान कल्याण रा देव है शिव माने कल्याण होता है और महादेव जी ने तो सबका कल्याण किया है जो कोई भक्त जिस भाव से महादेव को ध्याता है महादेव उसका कल्याण करते हैं उसकी भावना पूर्ण करते हैं सज्जनों भगवान शंकर जी की पूजा रो जितो महत्व है उतो ही भगवान शंकर जी रे सेवा रो भी महत्व है आप मंदिर जाएं शिवालय देवालय पधारें तो माँ देव जी रे जल चढ़ाओ पूजा करो फूल चढ़ाओ वो तो अच्छी बात है लेकिन कणी कणी एड़ो भाव लेन भी जाया करो कि भाई सेवा हो जाए तो सुबह थोड़ा जल्दी जाओ छुट्टी रो दिन हुए आप रे तो उन दिन थोड़ा जल्दी जाओ और कोई लोग आवे उनसो पहला जा और मंदिर में सफाई सेवा कर दो
ये भी पूजा से कम नहीं है। शिवालय में गए, गांव के किसी भी मंदिर में गए, झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, शिवलिंग ने भी बढ़िया साफ कर दो, वहां के पटांगण को साफ कर दें, और जो व्यक्ति महादेव जी के मंदिर में जावे, इन प्रकार की सेवा करे, भले ही मंत्र नहीं आए तो चलेगा। हम इतने विद्वान तो नहीं हैं कि भगवान के सामने ज्यादा मंत्र बोल लें, और उसके सामने क्या बोलेंगे, वो तो स्वयं रचयिता है। कोई बात नहीं, मंत्र न आए तंत्र न आए चलेगा, लेकिन कम से कम सेवा का यंत्र लेकर जाओगे, वहां जाकर के झाड़ू लगा दोगे, स्वच्छता मंदिर की कर लोगे। स्वीपिंग, झाड़ू लगाना, इंग्लिश में झाड़ू लगाने वाला ने स्वीपर कहा है, और इंग्लिश के दो शब्द प्रयोग करूंगा जिससे समझ में आ जाएगा सेवा का क्या महत्व है। मैं इसे कई लोगों को देखा है, और जीवन में यह हकीकत भी है, महादेव के चरणों में जाकर के जो अपनी सेवाएं रखता है, अपनी भावनाएं समर्पित करता है, महादेव के शिवालय या देवालय में जाकर के जो स्वीपर का ही काम करता हो, लेकिन सच्ची भावना से स्वीपिंग करता हो, तो महादेव उस स्वीपर को एक दिन सुपरमैन बना देते हैं, स्वीपर से सुपर बना दिया। ये महादेव की तो कृपा है। सेवा करनिया आदमी रो भी बहुत भगवान ध्यान रखे है। भगवान उनो भी सम्मान करे है। आप लोग आओ हो ठे कथा में, ठे कथा सुनने वास्ते आओ हो, लेकिन ठे कथा सुनो उन वास्ते थोड़े वास्ते भी तो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाना पड़े। तो यहाँ आयोजक लोग जो हैं दुरीना के सभी, तो उन सब लोगों ने अपनी अपनी सेवा बांट रखी है, तो किसी मंच की सेवा मिल गई है, वो मंच की सफाई करता है हर दिन। यहाँ भी मंच की सफाई हो जाती है, पाचे आप लोग बैठो उठे बिराजना, अपनी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, साफ रखनी पड़े। कथा तो रोज चल रही है, तो रोज थोने सफाई मिले है। वो चेहरे आपको भले ही दिखाई न देते हो क्योंकि आप बाद में आते हो, लेकिन उन चेहरों को ईश्वर जरूर देख लेता है कि सेवा तो हो रही है, कार्य तो हो रहा है। मैं ऐसे सभी बंधुओं का सम्मान करता हूं, ऐसी भावना रखने वालों का सम्मान करता हूं। सेवा करने को कोई आदमी छोटो नहीं हो जाए। ये भाव तो बना रहे कि उसमें हमारी भी सेवा है। कल गौशाला गए हम लोग, तो वहां भी लोगों ने एक अलग आनंद लिया, एक अलग एक्सपीरियंस लोगों को मिला कि गायों रे बीच में रहनो, गायों रे बीच में उबनो, गायों रे बीच फिरनो, उन्हों भी एक अलग आनंद है। वहां गौशाला में जो सेवा कर रहे हैं उनका भी सम्मान हुआ। और मैं कहता हूं कि आप भी कभी कभी जाया करो, रोज नहीं जा सको तो कणे कणे जाया करो, सेवा करिया करो। गायों रा पोठा उठाणो अपा कोई छोटा नहीं हो जाओ। सूरत के अंदर एक गौशाला है, वो हम लोग वहाँ थे उस वक्त जब इसकी ओपनिंग हुई थी, तो गुरुदेव के सानिध्य में हुआ। लेकिन वहाँ पे उन लोगों का नियम है, सूरत तो बड़ी सिटी है, महानगर है, वटे लोगों ने टाइम ही नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों का एक संकल्प है। बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन लोग, करोड़पति लोग है, लेकिन वे लोग भी रोज सुबह, कुछ लोगों तो करीब 50-60 लोग तो ऐसे हैं जिनका डेली का ये उनका अपना एक संकल्प है,
वे जावेला गौशाला और गौशाला में जान खुद आपरे हाथों सारी सेवा करेला पोटई वे निकेलान साफ सफाई वे करलान ठाणी वे साफ करेला गायों रे घासी निकेला आप सब काम करते और बड़े स्वस्थ रहते हैं। सेवा करने वाला आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल साफ रहता है, माने तंदुरुस्त रहता है। अभी जोधपुर में मेरी कथा थी तो वहां भी एक नगर निगम के द्वारा बनाई हुई गौशाला है और वटे 7,000 गौवंश है, 7,000 गायें, और वहां पर भी लोग आते हैं, 40-50 लोग डेली आते हैं और वो लोग अपना योगदान धन से भी देते हैं लेकिन तन से भी देते हैं, बाकायदा आएंगे और खुद सेवा करेंगे। मारो निवेदन है आपसे कि एडी कोई प्रवृत्ति से जुड़ो, या भी जो महिला मंडल बना हुआ है जिसके बारे में बताया गया कि बड़ा अच्छा उन लोगों का भी भाव है, वे सत्संग क्रिया करे, जो जिन्हें करे जा जान सत्संग करे, कीर्तन करे, उन कीर्तन के अंदर भी जका पैसा आवे, जो राशि इकट्ठी वे वा गौशाला ने समर्पित करे, उनका ये भाव भी अच्छा है। और मैं कहता हूँ कि इस भाव को भी बना के रखिएगा, अनवर्थ ये जारी रहे, ये भाव आपका बना रहे, किसी भी प्रकार का आलस्य न बने। भगवान परमात्मा के कार्य में तो कोई आलस्य होना ही नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उत्थिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, जब तक आप उस काम को सफल काम में सफल न हो जाएं, जब तक आपको उसमें पूरी सक्सेस न मिल जाए, तब तक भी आप उस काम को करते रहिएगा, करते रहिएगा, तब तक मत रुकिए जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। और सेवा का कार्य तो ऐसा है कि जब तक जान है, जब तक सांस है, तब तक हमें ये करते रहना है, उसी में आनंद है, उसी में मस्ती है। कई बाया घर में ठरकों बैठी रहे वेला सोफा सेट में, कौम नहीं करे। कई देरानिया जेठानी कहवे, देरानी कहवे आ जेठानी हैंग दिन बैठी रहे पड़ी रहे, कई नहीं करे, हैंग दिन झाड़ू मैं लगाऊं, पोचो मैं लगाऊं, घर रो साफ सफेरो ध्यान मैं राखूं, आ तो की करे को नहीं। जन मैं उन क्यों के थे बाया इतनी चिंता मत करो, तो देरानी है, देरानी छोटी वे कोई बात नहीं, छोटी सही तो ही तू रानी तो है, वह तो जटानी है तो देरानी है कोई बात नहीं। अगर तू काम करे वा नहीं करे तो चिंता मत कर, वा के नहीं नहीं चिंता री कई बात है, मन शिकाई थे उन्हें कंप्लेंट है, बोले कई कंपर हैंग दिन घर रहा चक्कर तो मैं काटू, वह तो पड़ी रहे वे। मैंने कहा थोड़ो दिमाग लगा, तू गर्रो चक्कर काटे तो सुखी है क्योंकि तने हॉस्पिटल का चक्कर नहीं काटना पड़े, हवा पड़ी रहेला तो हॉस्पिटल का चक्कर भी उन्हें काटना पड़ेगा। काम करने से आदमी कभी बीमार नहीं पड़ता, कहां बीमार पड़ता है, चलते रहो। चरज वेती, जंगलों में पशु रहते हैं, वो अपना कार्य स्वयं करते हैं, बंदर होता है वो बहुत चंचल होता है, वो कभी एक जगह स्थिर बैठता ही नहीं है, लेकिन मैंने बंदरों को हॉस्पिटल में जाते हुए नहीं देखा है क्योंकि वो स्वस्थ रहते हैं। हिरण बहुत दौड़ता भागता है बहुत स्फूर्ति के साथ, उसको मैंने कभी नहीं सुना कि शुगर हो गई हो, ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो, कहाँ वे हो। काम करने वाला मजदूर व्यक्ति, भगवान की भी व्यवस्था बड़ी तकड़ी है, वो पैसा भले ही थोड़ा कम कमाता होगा लेकिन स्वास्थ्य वो बहुत कमाता है, कुंडा नेक नेकन वो स्वस्थ रहवे है, और भगवान भी सारो निर्णय न्याय बहुत जबरदस्त करे है। बड़े बड़े लोगों को मैंने, जिनके पास पैसे बहुत हैं, उनको बड़े बड़े रोग से ग्रसित देखा है, फिर उनका इलाज भी लाखों करोड़ों में होता है, लेकिन मजदूर आदमी उन्हें कने पैसा गणा नहीं है तो भगवान उन्हें बीमारी की देवी
देवे तो ये छोटी बीमारी देवे, ठीक है अभी तो शरीर है, कहीं कोई छोटी मोटी बीमारी लाग जाए 150 रुपया रही, कोई 500 रुपया रही, बड़ी बात को नहीं, लेकिन उसको बड़ी बीमारी नहीं लगती। नहीं तो मैं जोधपुर में देख के ऐडा ऐडा लोग है जो हाथ हाथ मतलब वीकेंड में उसको डायलिसिस करवाना ही पड़ता है। मतलब डायलिसिस रो मतलब हम क्या थे, खून का प्रोसेसर पूरा बदलता है, पूरा खून चेंज होता है एक मशीन के द्वारा, डायलिसिस मशीन कहते हैं उसको। क्योंकि वाह बढ़िया रिया कर दी कौम को करिए। तो मेरा मतलब ये कि आप अगर भगवान से जोड़ दो उसको तो वो काम नहीं, वो सेवा हो जाएगी, और सेवा हो जाएगी काम भी हो जाएगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और भगवान की भक्ति भी हो जाएगी। इससे बढ़िया और भगवान की भक्ति की, महादेव जी रे मंदिर में जाओ। फिर दूसरी बात, मंदिर से बाहर निकलते हो शंकर जी के परिक्रमा लगाओ, परिक्रमा महादेव जी थोड़ी अलग डंगू लागे, वो थोड़ा ध्यान रखना। महादेव जी कही है कि जड़ वाल चढ़ो सिस्टम है नहीं, और भगवान ने तो सिस्टम वे को नहीं, जड़ेरी हुए उन जड़ेरी डाकनी नहीं, इन वास्ते परिक्रमा करो जन ध्यान रखना। आधी परिक्रमा हुए वह तो पूरी है, लेकिन वह पाछी क्यों करनी पड़े जिन वह पूरी हुए, एक हाथे थे पूरी महादेव जी की परिक्रमा नहीं कर सको। जड़े रिन डाकनो ने कोई कहे महाराज ठाको नहीं डाकीजगी, तो डाकीजगी भगवान को दिया थोड़ी बड़े, पर ऐसा नियम है, थोड़ा शास्त्र की ऐसा पद्धति बताई हुई, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश में डाल रहा हूं आपको कि ये ध्यान रहे। बाकी महादेव जी तो सबने निभावे। फिर दर्शन हो गया, उसके बाद जरा आप बाहर जब पधारते हैं तो शंकर जी ने जबकि सीढ़ियां मंदिर उन सीढ़ियों में थोड़ी देर बैठ लो, थोड़ी सी देर, मिनट भर दो मिनट ही बैठो, थोड़ा सीढ़ियों में बैठो, उसके बाद में फिर आप अपनी यात्रा घर जाने की, दुकान ऑफिस जहाँ भी जाना है आपको वो यात्रा शुरू करें। ध्यान रहे, ऐसा कहा गया है कि मंदिर से आप दर्शन करके निकलते हैं तो भगवान को जरा देखते जाइए, परमात्मा का दर्शन करते जाइए, सीधो सीधो नहीं निकल जाना मुंडो ऊंचो कर, थोड़ा भगवान ने देखते जाओ पाछा। क्यों, उससे क्या होगा? अरे उससे ये होगा, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, भगवान के प्रति स्नेह बढ़ेगा। जैसे जैसे भगवान से प्यार बढ़ता है हम भगवान की ओर देखते जाते। एक लड़की अगर उसका विवाह हो गया है, वो ससुराल आज जा रही है, पीहर से विदा हो रही है, तो वो विदा तो पीहर से हो रही है, गति उसकी ससुराल की ओर है, परंतु निगाह उसकी पीहर की ओर होती है। वह मुड़ मुड़न देखे, भाइयों मिलेला, पिताजियों मिलेला, माओ मिलेला, पच्ची के बदला ठीक है भैया मैं थैला वेला तैयार हो गया है, गड्डी में रख दिया, हलो दम में बस तैयारी है, गड्डी चलू है, मोटर कार चलू है, लेकिन तो भी वाह होले होले कदम बढ़ा वाला, क्योंकि जीव तो उन्हों घर में पड़ी हो, गाड़ी में बैठ भी जावेला मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा, जिम्मेदारी, जाना तो ससुराल ही होगा, लेकिन बावजूद उसके उसका मुख उसकी गर्दन पियर की ओर होती है। अगर गाड़ी रवाना हो गई तो ही कांच उतारेला ना हाथ हिलावेला कि ठीक है मैं जाऊं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि उसका उससे लगाव बढ़ता है, उसका उस घर परिवार से प्रेम बढ़ता है। ठीक वैसे ही हम भले ही संसार की ओर बढ़ें गति करें, मगर निगाहें हमारी भगवान से मिलती रहनी चाहिए तो जीवन आनंद में रहेगा। दिनों दिन प्रेम बढ़तो रहना चाहिए। जैसे घर में बच्चे रो जन्म हुए तो लोग कितना राजी हुए, वाह घरे टाबर आयो है, कुलदीपक आयो है, थोड़ा और मोटो हो जावे और प्रेम बढ़े, मारो प्रेम और बढ़ जावे, अरे मारो बच्चों तो हमें आजकल गुड्डालियाँ हाले हाले, धीरे 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 वो टूटो फूटो ही सही तोती तोती भाषा में तोतली भाषा में बोलन लग जावे, माँ पापा बऊ मम कुछ भी, तो शुद्ध नहीं बोल पाता लेकिन माँ सुनती है तो खुश होती है और प्यार बढ़ता है, देखो मेरा बच्चा आजकल बोलने लग गया, हमें तो बोले भाई, थोड़ा और मोटो हुए तो ओले 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 उबो उन लग जावे, सारे उबो हुए लेकिन हुए है तो माँ रो प्यार और बढ़े, थोड़ा और मोटो हो जावे तो हमें ऑटोमेटिक आप ही चलन लग जावे तो माँ रो प्यार और बढ़े, वाह मेरा बच्चा अब तो चलने लग गया, फिर जब दौड़ने लग जाता है तो और प्यार होता है,
धीरे धीरे बच्चा और बड़ा हो गया, अब तो इतना बड़ा हो गया कि स्कूल भी जाने लग गया। अब स्कूल जाने लग गया तो माँ बाप का प्यार और बच्चे के प्रति बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे के अंदर योग्यता आने लगी है खूब सारी। फिर अच्छे अच्छे मार्क्स लाता है तो और प्यार बढ़ता है, बच्चा खेल में भी अच्छा रहता है तो और प्यार बढ़ता है। धीरे 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 आठवीं दसवीं बारहवीं स्कूल पूरी कर ली तो और प्यार बढ़े, मारो बेटो बारहवीं फर्स्ट डिविजन पास करिए, स्कूल में नंबर वन आयो है। पछे कॉलेज में जावे तो कॉलेज मेरे अंदर भी डिग्री मिली बढ़िया मिले, पढ़ाई बिजी बढ़िया करे, अच्छा मार्क्स आवे तो माँ बाप रो प्यार कम नहीं हुए और ज्यादा बढ़े, और ज्यादा बढ़े। वाह मेरे बेटे को डिग्री मिल गई, डिग्री मिल जाए और पछे अगर छोरो नौकरी वास्ते अप्लाई करे और नौकरी भी लग जाए तो भी माँ बाप रो प्यार कम नहीं हुए, माँ बाप रो प्यार और बढ़ जावे। वाह मेरे बेटे की नौकरी लग गई है, लेकिन नौकरी करता करता छोकरी मिल जाए, पछे ब्याह हो जाए, ब्याह होया पछे कही वो थे जाना, ब्याह नहीं हुए जीते तो घड़ो ही प्यार बढ़े, पण ब्याह होया पछे तो भाई मामलो अलग ही छे। वालीला न्यारी एक आदमी आयो मारे कने हाथ छोरो, आधो घंटो बैठो यो बातचीत करी, वो छोरो की नहीं बोले, वो आदमी एकलो ही बोले, उमे आधो घंटो बातचीत हुई। पछे वापी रोया जन, मैं कहो कि साहब ये आपका लड़का है क्या? तो कि हाँ मेरे लड़का है। तो मैं कि लड़का है तो लड़का कुछ बोलता नहीं है? ये बोलता तो नहीं, नहीं बोलता तो है पर ये शर्माता है। मैंने कहो शर्मा वे आप रो टाबर शर्मीलो है, बोले इसको नहीं बिल्कुल, क्या बाप जी हो बोले को नहीं, हो तो कम ही बोले, जरूरत रे साहब ही बोले एर थे बोलो बाप जी के वो बोलियो को नहीं आधा घंटा में, पर बाप जी वो मारो टाबर है, मैं देख रही हूँ इन्हें, ये तो पालियो पोसियो, वो मारो ही कौन बोले, बिल्कुल लिमिट रो बोले और सेंसील है, ऐडी बात नहीं है, बहुत सेंसील है, बचपन से सेंसील है। इन्हें कोई थप्पड़ मार दी दो तो ही रोई लियो, वहां बैठो रहे हो कि ज्यादा की कहो को नहीं, कोई लड़ाई बढ़ाई अड़ा कुछ ऐसा स्वभाव ही नहीं इसका, ये देते हैं कई बार डांट भी देते हैं पर बच्चा है सहन कर लेता है, सुन लेता है बेचारा चुपचाप ठीक। और बहुत पढ़ाई में ही होशियार, ऐडी बात नहीं बाप जी, ठेठ स्कूल में जड़ तक रहे, जड़ तक नंबर वन आते रहियो, बहुत बढ़िया। और हमें 22 साल हो गयो है, कॉलेज रे अंदर पढ़ाई करी, कॉलेज रे अंदर भी बहुत अच्छा मार्क्स लाए, बहुत बढ़िया की टीचरों रे हम ही बोलनो करनो, गुरुजनों रे प्रोफेसर रे हम ही बोलनो करनो, बिल्कुल नहीं, घर में भी मैं इतना सदस्य हूं लेकिन ओ ज्यादा बोले नहीं, काम काम रामू राम रखे बोली चुको। परंतु बाप जी 22 साल रो यो ना मार लारले महीने नो ब्याह करियो, ब्याह होयो, ब्याह होने रे बाद में ओ घरे जद लुगई ने लेन आयो उन टाइम मऊ बोलियो चलान, नहीं तो कदे नहीं बोलता, पण हम के चलान बोलियो और एक ही वाक्य बोलियो, मैं क्यों वो एक वाक्य कहीं बोलियो मनी होना हो तो खरी, एड़े छोरा दुर्लभ वाक्य कहीं बोलियो बताओ तो खरी। तो कह बाप जी कहीं बताऊं, ब्याह करिया पचे जिंदगी में 22 साल में एक बार मऊ चलान बोलियो है, अरे बोलियो के पापा हमें मारे न्यारो आवड़ो, मैं क्यों वाह ओ बोलियो पछे प्यार की कर बढ़े, फिर प्रेम कैसे बढ़ेगा, फिर तो चोट लगेगी, फिर तो दिल में चोट लगेगी। अंग्रेजी में कहते हैं लव इज ब्लाइंड, वो ब्लाइंड इज है, प्यार 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 करियो लास्ट में जान तो मिलियो धोखो, कि यार ये बच्चा ऐसा करेगा, इसको पाला पोसा इतना बड़ा किया लास्ट में जाके ये किया, ऐसा न करें। देखो भगवान के लिए हम बच्चे ही तो हैं, अगर हम हमारे बच्चे से ये उम्मीद नहीं रखते कि हमारा बच्चा हमारे साथ गलत करे हमको धोखा दे तो भगवान के साथ हम धोखा कैसे कर सकते हैं। हमें भी परमात्मा के साथ ऐसा रिश्ता बनाना है कि निरंतर हम तो भगवान को याद करें लेकिन किसी दिन मंदिर न जा पाए तो भगवान हमको याद करे और मिस करे कि आज मेरा बंदा आया नहीं। भाई वो तो रोज हाजिरी लगाउनी आदमी है, वो तो कितो भाव वालो है, वो आज मारे मंदिर नहीं आए, एड़ो भाव होना चाहिए। और किसी दिन मंदिर न जा पाओ तो एक सुविधा और भी है, शिव पुराण में लिखा है मंदिर के ऊपर गुंबज हुए
उन्हे माथे इंडो चढ़े कलश जिने कहवे और अपने मारवाड़ी भाषा में कहवे इंडो, और वो इंडो चढ़े वठे लागे ध्वजा। और शास्त्र की बात है कि किसी दिन अगर बहुत ज्यादा ही आप बिजी हैं, मंदिर जाने की आपको फुर्सत नहीं है, अवकाश नहीं है मंदिर जाने का, तो कोई बात नहीं, आप तो मंदिर के ऊपर गुंबज पर कलश पर जो ध्वजा लगी है, जो कलश लगा है, उसी का दूर से दर्शन करके उसे प्रणाम कर लें, तब भी आपकी हाजिरी लग जाएगी। मंदिर में जाकर भगवत दर्शन का जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य ध्वजा दर्शन से भी मिल जाता है। तो ध्वजा, कई लोगों ने मन में बड़ी गलत फहमी, कई लोग के मंदिरी ध्वजा मौने मकान रे माते नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए भाई? भगवान रे मंदिरी ध्वजा, यूं कहो कोई बुरे व्यक्ति की नजर हम पे ना पड़े, लेकिन मंदिर की ध्वजा की छाया तो हम पे पड़े, मकान पे पड़े, तो वो मकान भी तीर्थ बन जाता है, वो जीवन स्वर्ग बन जाता है। सौभाग्य है अगर आसपास आपके घर के आसपास मंदिर बना हुआ है और उसकी ध्वजा अगर छत पे पड़ रही है छाया। ध्वजा रो बड़ो महत्व है, किसी दिन अवसर मिले आप ध्वजा चढ़ाएं। महादेव के तो मंदिरों में ध्वजा चढ़ती है, सोमनाथ आदि, वहां अब द्वारिका आप जाओ तो द्वारिका में कृष्ण भगवान विराजे, द्वारिकाधीश वटे देगी 52 फुट है, 52 फुट जगी ध्वजा है, इतनी लंबी ध्वजा है, वाह बहुत बड़ी ध्वजा है, और दिन में 5 बार बदलती है। बोलो कितनी तो ऊंची है वो, आदमी जावे, क्योंकि मैं नहीं बटे गता जन, मैं भी बटे गया ध्वजा चढ़ाऊं तो हमने देखा वो लाभ मिला, तो ध्वजा चढ़ी वहां तो वो पूरा आनंद होता है, जो जिसकी तरफ से ध्वजा होती है वो दर्शन करते हैं, आनंद करते हैं, आनंद होता है। गजब बड़ी तो ऊंची वो गुंबज है, फिर वहां जाके वो आदमी जाता है ध्वजा चढ़ाता है, और सोमनाथ मंदिर जो त्रिलिंग है सोमनाथ भी, वहां भी गए तो वहां भी हमको ध्वजा चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ, भक्त थे साथ में। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी आपको अवसर मिले आप मंदिर में जाएं ध्वजा चढ़ाएं। कई लोग कहे महाराज ध्वजा तो चढ़ाओ, लेकिन बाप पुरानी ध्वजा उतारे भी रोका ही करो, कई तो बया आड़ी उन्हों बना दे पोचो, कई बना दे थिल्ली, अरे वाह भगवान दी ध्वजा है, कम से कम पोचा तो मत बनाओ यार, वो तो भगवान को चढ़ी हुई है, उसको भगवान के ही कार्य में कहीं यूज करें, लेकिन उसका पोचा न बनाए। लेकिन अवसर मिले अगर आप ध्वजा चढ़ाते हैं तो सज्जनों, जैसे मंदिर में ध्वजा फैरती है तो वो आकाश में हवा में यूं लहराती रहती है, वो पताका फहराती रहती है, वैसे ही आपने अगर ध्वजा फहराई है तो भगवान आपके जीवन में आपके कीर्ति की, आपके यश की पताका फहराता रहेगा, लहराता रहेगा, जीवन उन्नति की ओर जाएगा। उसी महादेव के मंदिर में जाकर के पूजा करने का भी अपना महत्व है, सेवा का जैसा महत्व वैसा पूजा का भी महत्व है, जल चढ़ाया उसका भी महत्व है, और वो भी अगर शिवरात्रि के दिन चढ़ा हो तो बात ही निराली है। शिवरात्रि, कुछ लोग कहते हैं ये शिवरात्रि क्या है, ये शिवरात्रि को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, शंकर जी जिस दिन प्रकट हुए वो शिवरात्रि मानी जाती है। कई जगह शास्त्रों में ये भी संदर्भ मिलता है कि जिन टाइम समुद्र मंथन हुयो तो भी टाइम अमृत मंथन, अमृत रे वास्ते समुद्र मंथन हुयो, लेकिन निकलियो सबो पहला जहर, उन जहर ने महादेव जी पियो, पी तो लियो लेकिन जहर पीने रे बाद महादेव जी ने कठे नींद नहीं आ जाए, अगर क्योंकि जहर पीड़ो आदमी अगर सो जाए या सांप के नहीं खायो हुए और वो आदमी जहर चढ़ियो हुए और उन्हें कोई अगर नींद आ जाए कणी तो वो जहर पूरे शरीर में फैल जावे, पचे वो आदमी मर जावे। जने लोग कहवे कि भाई इन्हें सोन मत दीजो ताकि जहर फैले नहीं, ऐसे ही देवताओं ने सोचा कि बाबा ने जहर तो पी लिया है जगत के हित के लिए, परंतु डोगरन गड़ी नींद नहीं आ जावे, नींद आएगी तो गड़बड़ जाला ना, मर्डरो केस बन जाला ना, आवेला अपने माथे। तो देवताओं ने नगाड़े बजा बजा करके, कीर्तन कर करके, शिवजी के भजन गा गा करके उनको रात भर जागृत रखा,
और जिस रात्रि में ये जागरण हुआ उसे शिवरात्रि कहते हैं, महाशिवरात्रि। एक ज्योति प्रकट हुई थी रात्रि को, जिस दिन शिवजी प्रकट हुए थे उसको भी महाशिवरात्रि कहते हैं। ऐसे कई अनेक ये संदर्भ मिलते हैं शिवरात्रि के, कोई के ब्याह हो दिन शिवरात्रि, जो भी हो, अलग अलग शास्त्रों की अलग अलग कथा है। लेकिन एक बात तो तय है कि शिवरात्रि पर्व जरूर है अपने। मैं वापस आ रहा हूं शिवरात्रि में, यही हरपालिया में, और ये किशन जी बैठे सेठ साहब, वहां है भागवत की कथा नवातला में, 15 फरवरी से 21 फरवरी, और 21 फरवरी को ही शिवरात्रि आ रही है, तो रात का कार्यक्रम हरपालिया में होगा। कहते हैं कि माँ देवजी ने रोज जल चढ़ाने सौभाग्य मिले तो बहुत बढ़िया, रोज नहीं चढ़ा सको तो सोमवार ने चढ़ाओ, सोमवार ने नहीं चढ़ा सको तो महीने में एक दिन तेरस ने चढ़ाओ प्रदोष व्रत, उन दिन ही नहीं चढ़ा सको तो सावन, सावन महीनो आवे पूर्व माँ देवजी रे नोमरो, 4 सोमवार उन दिन तो चढ़ाओ। लेकिन अगर वो भी अवसर नहीं मिले तो एक काम करें, शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि के दिन अगर महादेव जी को जल चढ़ाते हो, उस रात्रि के चारों प्रहर जो महादेव जी को जलाभिषेक दुग्धाभिषेक आदि करता है तो पुण्य कितना मिलता है, बोले साल भर जो जल चढ़ाने का पुण्य है वो आपको एक रात्रि से ही जल चढ़ाने से मिल जाता है, ऐसी महिमा है महाशिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने की। पण औकदरी बात है, आ बात है, अगर मौको नहीं मिले साल भर तो एक रस्तो बतायो बिचली गड़ी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई ये करें। पण मैं जदा बात कहूं जन कई लोग है महाराज आ बात बढ़िया बताई आपने, हमें शिवरात्रि नहीं चढ़ाऊ दूजे दिन कौन जावे कौन माथा पूरी करेगा के शिवरात्रि नहीं चढ़ाऊ, बच्चे शिवरात्रि है अगर शिवरात्रि नहीं चढ़ाऊ लाग जाए तो कई हालत हुई, मैं विनोद में कया करूं, मां दीजिए तो कई फर्क पड़े पर विनोद में कया करूं के पे हगड़े लोग शिवरात्रि दिन जान जल चढ़ावे, इतो जल चढ़ावे, इतो जल चढ़ावे, एक आवे हियाड़ा में शिवरात्रि पे इतो जल चढ़ावे, इतो जल चढ़ावे के मां दीजिए शिवलिंग तो हुके ही कोनी, हुकंदे ही कोनी, एक आयो जिते दूजड़ो तैयार, दूजड़ो नहीं आयो जिते जड़ो तैयार, वो तो निकल जावा जल चढ़ाण पर मां दीजिए माते तो 24 घंटा पानी बरस तो रहे, आदमी ने तो एक हाथे मिल जावे साल भर रो पुण्य, महादेव जी ने मिल जावे एक हाथे साल भर रो जुकाम, तो जल चढ़ावे शिवरात्रि में। बात भावना की है, बात अपनी श्रद्धा की है, जान बूझ करके कोई महादेव जी की पूजा करे तो भी इतना पुण्य मिलता है, लेकिन कोई अनजान में अगर महादेव जी की पूजा कर ले तो उन्हें भी घणो पुण्य मिले हो खूब। एक कथा शिवरात्रि रे महिमा री है शिव पुराण में, एक रुद्र नाम रो भील हो, रुद्र भील, वो भील आदमी उन्हें तो कई काम जंगल में जावणो शिकार करनो जीवो ने मारन लावना एड़े जुना काम, तो वो गयो वन में, जिस दिन आज वन में गया था वो तो उस दिन उसको कुछ मिला नहीं, शिकारी नहीं मिला, दिन भर शिकारी तलाश में रहो लेकिन शिकार नहीं मिलियो, शाम रो टाइम हो गयो, विचार करियो मैं घरे जान भी कई करूं क्योंकि मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो कई मतलब नहीं है, मारे बच्चा मारी पत्नी माँ बाप बीजा हैंग बाढ़ जो हैंग मारे माते उम्मीद लगान बैठा है कि ओ लाई की इनकी तो अपो जीमो, लेकिन अभी कुछ शिकारी नहीं मिला तो क्या जाऊं घर पे, सोचियो अटीज रुक जाऊं मैं रात्रा, और रात्रा एक तालाब हो, तालाब रे कने पेड़ हो, विचार करियो अटे तालाब माथे कोई न कोई तो पानी पे उन्हें रात्रा जानवर आई, और वो आई उनटे मैं उन्हें तीर मार उन्हें मार दें और उन्हें लेन जाऊं घरे, एड़े विचार में वो रुद्र नाम रो भील पेड़ रे माथे चढ़ गयो, उन्हें कने धनुष है तरकस है उमे तीर है, और एक खवा में पानी रो पात्र जो बोतल वगैरह कुछ भी ऐसा पानी का उसको पात्र है, और सज्जनों
मुंह में पानी है, अंदर हो गयो। सज्जनों बात देखो आप कि उस रुद्र भील को जो कुछ भी उसके साथ में आज हो रहा है वो बिल्कुल अनजाने में हो रहा है, उसको मालूम नहीं क्या हो रहा है। जिस पेड़ पर वो बैठा था वो पेड़ किसका है उसको नहीं मालूम, उस पेड़ के नीचे क्या है साइड में वो भी उसको नहीं मालूम क्योंकि पत्तों से ढका हुआ। वो रात्रि कौन सी है जिस रात्रि में वो बैठा है वो भी उसको नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। और ना उन्हें कोई शास्त्र हो मतलब, ना उन्हें भगवान को लेना देना, वो तो यही कोई अलग उन्होंने मेटेरियल, उन्हें तो एक ही चीज है कि जीव आई तड़ाप मते पानी पीने, मैं उसको मारूंगा और लेके जाऊंगा घर पे पका के खाऊंगा। और रात्रि रो प्रथम प्रहर शुरू हुई हो, प्रथम प्रहर शुरू हुई हो सज्जनों, उसी वक्त एक हिरणी तालाब में पानी पीने वास्ते आई। जू ही तालाब में पानी पीन लगी कि एकदम वो सचेत हुए, और सचेत होते ही उसको लगा कि कोई आया है। तुरंत उसने अपना धनुष चढ़ाया, धनुष पे तीर चढ़ाया, निशानों लगायो हिरणी रे। और सजनों जू ही निशानों लगायो तो हुयो यूं, जिस पेड़ पर वो बैठा था वो पेड़ कोई सामान्य नहीं, वो बिल का पेड़ था। मोटा मोटा बिल ला गया करे आपने ठाए बिल रे पेड़, बिल पत्र तो है ही लेकिन फल जो लगता है उसको कहते हैं बिल। और वो बिल बहुत बढ़िया रहा करे शरीर रे वास्ते, पेट के लिए तो बहुत अच्छा रहता है, आप उसका जूस बना के पिए तो बहुत अच्छा रहता है, आयुर्वेद में भी उसका खूब तरह से उपयोग होता है। वो पेड़ बिल का, उसके पत्ते वो हैं बिलपत्र, और बिलपत्र है महादेव जी ने बहुत पसंद रहे। होयो यो जोगरी बात है कि उन्हीं पेड़ रे नीचे अपूज अनजान पत्तों में ढकेड़ो बरसों पुराना एक शिवलिंग था उस पेड़ के बिल्कुल नीचे। और जो ही वो धनुष माते तीर चढ़ायो के वो पेड़ हिलियो, पेड़ हिलियो तो पेड़ रा पत्ता बिल पत्ता है जका मां देव जी रे शिवलिंग माथे चढ़िया। ऑटोमेटिक पत्ता तो चढ़िया लेकिन उसका जो जलपात्र था वो भी तो हिला क्योंकि पेड़ पे बैठा था तो हिलना तो था ही। वो पात्र हिलियो और पात्र में भी जलधार सीधी शिवलिंग माथे पड़ी तो अभिषेक हो गया, बिल पत्र भी चढ़ गया, महादेव जी के शिवलिंग पे अभिषेक भी हो गया, पेड़ भी बिलका नीचे शिवलिंग पत्थर सामान्य नहीं शिवलिंग। और सज्जनों जिस रात्रि में ये कार्य हुआ वो रात्रि थी महाशिवरात्रि, शिवरात्रि के दिन ये कार्य हुआ। और प्रथम प्रहर ये भी तो देखो कई संयोग बढ़िया, इसको कहते हैं कोइंसिडेंस इतफा, प्रथम प्रहर में ये कार्य हो गया। हिरणी रे तीर चढ़ायो वो तो निशानो लगायो है लेकिन उन्हीं टाइम भगवान की कृपा तो देखो वा हिरणी उन्हें भी एकदम वाचा उपजी वाणी और वा बोली अरे भाई तो कौन है क्यों तीर चढ़ायो है। वो विरुद्र भील कहो मैं शिकारी हूं, शिकार ही मेरा कार्य है, मेरा कर्म कर रहा हूं, दिन भर कोई शिकार नहीं मिलियो इन वास्ते रात ना बैठो हूं, कोई शिकार मिलेला मैं मारूला। तू आ गई बहुत बढ़िया करियो, क्यों क्योंकि मैं भूखो हूं, कई खायो नहीं हूं दिन भर, मारी पत्नी मारा बच्चा घरे माँ बाप बई भूखा है, अब तू अच्छी पकड़ में आई है, तेरे को मारूंगा और तेरे को लेके जाऊंगा, फिर मांस पका के खाऊंगा सबको खिलाऊंगा। हिरणी बोली ओ हो ठीक है व्याध, तू मने मार सके, थारो गरेड़ो कौम उतो हुए मारे कारण मारे मरनो तो मार दे भाई।
तेरी पत्नी, तेरे बच्चों को, सबको तेरा पेट भरना, ये तेरा फर्ज है। लेकिन सुन, जो थारे बच्चा है, परिवार है, यो मारे भी नैना नैना बच्चा है, मारे परिवार टाबर टूबर है, मेरा पति भी मेरा इंतजार कर रहा है, हिरण मेरे बच्चे हैं ना, उनको भी दूध पिलाना है। और चूंकि मैं तो अठे आ गई हूं पानी पीने, परंतु घरे सब मारो इंतजार कर रहे हैं। अगर तेरे मन में विश्वास है मेरे प्रति, तो हे व्याद, तू मने थोड़ी देर री छूट दे दे, मैं जाऊं मारे वठे घरे, जठे मैं हगला रेवो, वठे मारे बच्चों मिलूं, वे उन्हें दूध पाऊं, सबसे मिल लूं परिवार से एक बार अंतिम, और उसके बाद में मैं वापस यहाँ पे आ जाऊंगी। और अगर तेरे को मारना है तो हमको मार देना, मुझे मारना है मार देना, मैं तेरे काम आऊं। हम पशु हैं और तो क्या कर सकते हैं, पर अगर थारे मन खोरे अगर मैं कौम आवा, तो मारो शरीर तने समर्पित है। एड़ी बात वा हिरणी बोली। और सज्जनों, शिकारी वैसे तो कभी किसी को छोड़ता नहीं है, उसके पंजे में, उसके हाथ में आया हुआ शिकार वो कभी छोड़ता नहीं है। लेकिन उन शिकारी के मन में कई ठा की करो भाव बदलिया, हो सके वो मां देव जी अभिषेक कर लिया, उन्हीं वजह से उन्हें भाव बदली होवे, उन्हें मन बदली होवे, उन शिवरात्रि रो असर पड़ी होवे, वो अणुओं का असर हुआ हो, और एकदम उन्हें मन में दया रो प्रतिशत बढ़ियो और कहो कि ऐसी बात है तो ठीक है, अगर तू आने का वचन देती है तो मैं भी तुझे जाने का वचन देता हूं, तू जा सके पर आई जे पाछी, बिल्कुल आऊंगा मैं आऊंगी। और हिरणी चली गई। हिरणी तो गई, लेकिन सज्जनों समय बीतियो, 1-2-3 घंटा बीत गया, एक जको प्रेर हो रात्रि रो वो पूरो हो गयो, और दूसरा प्रहर शुरू हुआ। परंतु दूसरे प्रहर रे अंदर दूसरे प्रहर में फिर कोई जीव आयो, और उसने तालाब के अंदर पानी पीना शुरू किया। जुई तालाब में पानी पीना शुरू करियो, और व्याद को लगा कि वा तो कोनी आई, लेकिन ओ जो को जीव आयो है इन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने फिर से धनुष पे तीर चढ़ाया, निशाना लगाया, जो ही निशानो लगायो तो सेम क्रिया वापस दोहराई गई। क्या हुआ? एडरा पत्ता बिलपत्र महादेव जी रे माथे चढ़िया, जलपात्र अपनो जलधार निकली, वह महादेव जी माथे चढ़िया अभिषेक हो, और इधर वो जैसे ही मारने लगा, दूसरा प्रेर था, दूसरे प्रेर में पूजा हो गई शिव जी की शिवरात्रि के दिन। इतेक में वा हिरणी, वा भी एक हिरणी जी जो दूसरे बार आई थी, वा बोली, अरे भाई याद, क्या बात है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों हम पे तुम रात्रि में निशाना लगाए, एक समय निश्चित है, दिन में शिकार होता है, तुम रात्रि में भी शिकार करने आ गए, कम से कम रात तो हमारी है, हमें जीने दो, इतना तो अतिक्रमण न करो। व्याध व्याध बोला, अरे दिन भरू मैं तो भूखो हूं, दिन को तो शिकार किया ही कहां, इसलिए तो रात में बैठा हूं ताक पे कि कोई आएगा तो मारूंगा, तू आई है अब मैं तेने छोड़ू नहीं। लेकिन वाहिरनी कहो कि भाई अगर ऐडी बात है तो तू मने मार सके, पर सुन, मेरी छोटी बहन इस जंगल में कहीं भटक गई है, उसके छोटे छोटे बच्चे उसको याद कर रहे हैं,
रो रहे हैं, मैं उसको ढूंढने आई हूं। अगर वह मने मिल जाए तो मैं उन्हें उन्हें बच्चों करने पहुंचा दू, उन्हें बाद में मैं आ जाऊंगा थारे करने, और थारे मोने मारनो है तो मार दीजिए, लेकिन एक को थोड़ो सो भले ही रो काम करें दे। किसी माँ को उसके बच्चों से मिला लेना यही तो अच्छा कार्य है, बिछड़ों को मिला देना यही तो शुभ कर्म है। हम पशु और क्या कर सकते हैं, इतना सही तो शुभ कर्म कर सकते हैं, तो इतना करवा दे। सज्जनों दयारो भाव उन व्याधरे मन में और बढ़ गयो, क्योंकि दूसरे प्रहर में दो बार महादेव जी शिवरात्रि रे दिन पूजा हो गई। इन वास्ते वो भी भाव बदली और कहो कि ठीक है अगर ऐसी कंडीशन है तो जा, लेकिन वापस आ जाना, मैं इंतजार करूंगा जरूर। वह भी हिरणी चली गई और समय बीतने लगा। कई लोग कहवे कि उन शिकारी रे मन में दयारो भाव के करायो। अरे भाई दयारो भाव आवे क्यों आवे, क्योंकि वह पूजा हो रही थी। कई लोग कहवे कई हुए उन, वो तो भाटो है। लेकिन सज्जनों मूर्ति पूजा का भी अपना एक महत्व है, महत्व तो है। हाँ माना बड़े बड़े संत महापुरुष जिनकी साधना बहुत ऊंची स्थिति की हो जाती है, फिर उनको किसी मूर्ति की किसी कोई कोई जरूरत नहीं होती, वो तो बैठे जटी पूजा है बण तो, आंख बंद कर ली पूजा ही पूजा है, अभिषेक मैं हुए बण तो। लेकिन अपने जैसे छोटे लोग अपनी तिथि पहुंच को नहीं जे, कोई बच्चों वे उन्हें सीधो एमए थोड़ी कराई जाए, टाबर एमए की कर करी, टाबर कॉलेज में की कर पड़ी, उन्हें तो पहला स्कूल में बनाओ, उन्हें पट्टी दो कलम दो, पज के बेटा लिख क मीन्स कबूतर, ख मतलब खरगोश, वो ही के रटे पचे उन्हें समझ में आवे, ओ हो क ख ग ग ग पचे वो हीक तो रे वे बोल तो रे क ख ग ढ ही के ए बी सी डी के पचे ओले ओले नाम पढ़ना ही के पचे स्पेलिंग ही के पचे वो पूरो वाक्य पढ़नो ही के पचे किताब ही के पचे धड़ा धड़ किताब पढ़नी ही के पचे लिखना ही के। फिर करते 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 स्कूल पूरी करेगा, फिर उसके बाद कॉलेज जाएगा, तब जाके एमए करेगा। ऐसे ही मूर्ति पूजा हमारे यहाँ ABCD सीखने जैसी है, यहाँ से शुरुआत होती है और मूर्ति को देखते 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 पूजा करते करते एक दिन ऐसी स्थिति बनती है कि हमारे घट में भगवान विराजमान हो जाता है, फिर मूर्ति नहीं भी हो तो चलता है। लेकिन अगर आपको छत पर जाना है तो सीढ़ियां तो चढ़नी ही पड़ती है ना, सीढ़ियां चढ़नी पड़े। कोई कह नहीं मैं तो कितनी सीढ़ियां है, बोले 13 सीढ़ियां, तो मैं तो 13वीं सीधी चढ़ू डायरेक्ट। अरे मत चढ़ भाई, टांगड़ा टूट जाए, सीधो नहीं चढ़ू, 1 2 3 ऐसे। तो मूर्ति पूजा भी अपनी एक व्यवस्था है, आज उसी का असर उस व्याध पे हो रहा है, वो शिवलिंग पे जल चढ़ रहा है, अभिषेक हो रहा है, पूजा हो रही है, दया का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। तीसरो प्रहर आ गयो है, और तीसरे प्रहर में क्या हुआ पता है, वो जो हिरणी थी ना पहले नंबर माता जी की आई थी, वहां हिरणी रोई मुखिया उन पूरे परिवार रो हिरण, खुद हिरण वो आयो तालाब माथे पानी पे, उन्हें तो शिकार देख के इस बार शिकारी खुश हुआ, ये बड़ा पशु आया है कोई, इसको मारूंगा, बहुत मांस मिलेगा खाने को, सब घर वाले खुश हो जाएंगे, और भूख बहुत लगी है, इतनी रात हो गई है, जो जाता है वो आता ही नहीं है, इस बार इसको छोड़ना ही नहीं है। और उसने इस बार तीर लगाया, जैसे ही तीर चढ़ाया सज्जनों तीसरे प्रहर में फिर वही हिलन डुलन चलन होने की वजह से बिल पत्र शिवलिंग पर चढ़ गए और जल पात्र में से जलधार भी शिवजी पर चढ़ी और अभिषेक हो गया तीसरी बार। मारने तैयार हो लेकिन हिरण बोलियो, भाई व्याध क्या बात है, क्या बिगड़ा हमने? अरे बोले मैं भूखो प्यासो, मने तो बस भूख लगी, तेरा शिकार करूंगा, इसीलिए तो यहां बैठा हूं, पूरी रात नमाज से खराब करी, अच्छा आया तू आ गया, अभी तेरे को मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं।
क्योंकि मैं परिवार का मुखिया हूँ, मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब मेरे ऊपर ही पलते हैं और उनके लिए मैं भोजन लेके जाऊँगा तो वो खुश हो जाएंगे, सब मेरे ऊपर ही तो उम्मीद रख के बैठे। वो हिरण कहो भाई जो तू थारे परिवार रो मुखिया है, यूं मैं ही मारे परिवार रो मुखिया हूँ, सब मारे माते उम्मीद लगान बैठा है, मैं सबको संभालता हूँ और मारे मारे परिवार में थारे बाढ़ जोवे जो टाबर पत्नी जो मारी पत्नी इन टाबर मारी बाढ़ जो है गुफा में। मैंने वो जवाब तो देना पड़े, कोई बात नहीं तू अगर मुने मारनी चाहे है तो मार सके है भाई, तो इंसान है तो छोड़े यू भी कोनी। और हम सोचेंगे कि हम हमारे भी कोई कर्म ऐसे रहे होंगे जो भगवान ने पशु बना दिया, लेकिन इस पशु जीवन में और तो भगवान का भजन कर्म हमसे होता नहीं, पर किसी जरूरतमंद के हमारा तन अगर काम आ जाएगा तो वही हमारे लिए खुशी की बात होगी, वही हमारे लिए शुभ कर्म होगा। चल आज तेरे काम आ जाऊंगा मैं बस, और मेरे को भी इस हिरण योनि से मुक्ति मिलेगी। पर एक निवेदन है, पहले परिवार से मिलके आ जाऊं, मेरा फर्ज पूरा कर दूं, फिर तू मार देना। एड़ी बात जब हिरण बोली तो वो शिकारी मन में विचार करियो, ओई ले बात तो अच्छी कहवे, ऐसी कंडीशन पैदा कर दी तो शिकारी को दया आ गई, बेचारा ये भी मुखिया है परिवार लेके बैठा है। कोई बात नहीं, चल ठीक है तू परिवार रो मुखिया है तो मैं तने छोड़ू, तारी जिम्मेवारी है, लेकिन वापस आ जाना घंटे भर से अगलों तार मिल मिला ना जा पाछो, फिर मैं तेरे को मारूंगा। ठीक है, और वो हिरण भी चले गए। लेकिन सज्जनों घटना अब देखो क्या हुई, घटना ये घटी कि इधर तो चौथा प्रहर शुरू हुआ शिवरात्रि का, अड़ने वा हिरणी सबसे पहला जकी आई थी, वह आपरे बच्चों ने दूध पायो, आपरे बच्चा रो लाड़ दुलार करियो और सब बच्चों को कहने लगी बेटा आराम से रहना खुशी से रहना मैं जा रही हूं, क्योंकि उन्हें ठाए कि मैं वचन दियो हूं उन शिकारी ने, तो वाह बीर हुई। इतेक में हिरणी री बड़ी बहन ही वाह कहो कि तू कटे जावे, थारे तो बच्चा है थारे तो जिंदगी है तो संभाल तू सबने, मैं जा रही हूं क्योंकि मैं शिकारी को वचन देके आई हूं कि मैं आ रही हूं और मैं बड़ी बहन हूं, मैं बड़ी पहले मरूंगी फिर तेरा नंबर, इसलिए मेरे रहते तू नहीं मर सकती, तू यहीं रह मैं जाती। वाह रवाना हुई तो छोटी कहवे नहीं वचन तो मैं दियो उन्हें हगलों पहला मैं जाऊंगा, वह मोटूडी कहवे नहीं मैं जाऊंगा, आपस में लड़े। इतेक में जो को हिरण हो मोटो सबरो मुखिया उसने कहा मैं जाऊंगा, किसी को जाने की जरूरत नहीं है, मैं मुखिया हूं, जब तक मेरे अंदर प्राण है मैं तुमको नहीं मरने दूंगा, मेरी जिम्मेवारी है परिवार के मुखिया होने के नाते, मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरे परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। मुनि हिरणी कहने लगी नहीं नहीं मोने रहता थे प्राण त्यागो जन बजे मोने जीवन रो मतलब कही, आपस में इतना उनका प्रेम कि वो आपस में कहने लगे, वो कहता मैं मरूंगा, वो कहती मैं मरूंगी, वह कहता मैं मरूंगा, आपस में यूं लड़े। इतेक में वे नैना नैना टाबर हा हिरण रा छोटा छोटा हिरण रा बच्चा, वे कहो कि पापा मम्मी थे क्यों यूं करो, मैं मरने तैयार हूं, बस हम चले जाएंगे, हम प्राणों का बलिदान दे देंगे पर हम आपको नहीं मरने देंगे। बच्चों का ये भाव सुनकर के आंखों में आंसू आ गए हिरणों, कैसे बच्चे हैं। फिर सोचा उन्होंने कि बच्चे मर गए तो हमारे जीवन में कोई सार नहीं और हम मर गए तो बच्चों के जीने में भी कोई सार नहीं, इनका कौन ध्यान रखेगा, और बच्चे तो वैसे भी हमको जाने नहीं दे रहे, वो तो कह रहे हम मरने को तैयार हैं आप मत जाओ, तो क्या करें। तो अंत में निर्णय लिया हम साथ साथ रहे साथ साथ जिए तो मरेंगे भी साथ साथ, चलो हम सब बलिदान हो जाते। पूरो परिवार ही आ गयो, हगड़ा दिता है बेड़ा होना आई, बच्चे हो हिरणी हिरण उसकी बड़ी बहन हिरणी की सब आ गया।
शिकारी बड़ा खुश हुआ, आहा, अभी चौथा प्रेयर शुरू हो गया है, चौथे प्रेयर के अंदर ये सब आ गए हैं, पूरी मंडली आई है, इन सबको एक एक को मारूंगा, एक एक को मारूंगा, सबको लेके जाऊंगा, और दिन भर भूखे भले ही रहे हो मेरे माँ बाप मेरी पत्नी, लेकिन जब जाऊंगा तो सबको मांस मिलेगा इतना खाने को, आज की सब पार्टी मनाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो बड़ा शिकारी एकदम मन में उसके लड्डू फूट रहे, और इतेक में जो वो शिकारी तीर लगायो, जुई सज्जनों निशानो लगायो है, धनुष माथे तीर चढ़ायो है, चौथा प्रहर शिवरात्रि का और चौथी वार सज्जनों अभिषेक की बात आ गई, क्योंकि हिलन डुलन के कारण जलपात्र में से जलधार शिवलिंग पर पड़ी, चौथी वार में पूजा और बिलपत्र भी महादेव जी के चढ़ गए। शिवरात्रि का दिन उस रुद्र भील का शिकारी का उपवास भी हो गया, शिवरात्रि के दिन चारों प्रहर में अभिषेक भी हो गया, बिलपत्र भी चढ़ गए, पूजा हो गई, और ऐसा शिवरात्रि के दिन होता है तो महादेव उस पर कृपा करके दर्शन दे देते हैं। उन्हीं वक्त सज्जनों महादेव जी प्रकट हो गया, शिवलिंग में से त्रिशूलधारी डमरूधारी बागंबरधारी बाबा आ गए, महादेव जी प्रकट हो गए। शिकारी तो देखियो महादेव जी ने, वे धनुष धनुष तो छूट गया उन्हें, हिरण हिरण रो ध्यान चूक गयो, और वो तो देखन लग गयो महादेव जी ने, महादेव जी ने देखन दूजे ये कौन आ गए, शिवजी रो तो रूप ही अलवेलो है, महादेव जी के दूज मन डरने का नहीं, डरता क्यों है, डर मत, बोले ते हो कौन, आधी रात रा आ गया ते हो कौन, महादेव जी क्यों, मैं वही जू जिनी तुम पूजा करिए, मैं पूजा, मैं करी पूजा, मैं नी बाप जी मैंने लागे थे कोई गलत स्टेशन में तो आ गया, मैं तो हूँ शिकारी, मंदिर जाना जाता नहीं, पूजा भक्ति कुछ करता नहीं, अपने तो कोई भाव है ना कोई भक्ति है ना कुछ है, कुछ नहीं करता, मंदिर ही कदे गियो को नहीं, मन लागे बाप जी फोन कोई दूजो करियो थे गलत जगह आ गया, शिव जी क्यों, नहीं भाई मैं एकदम सही जगह आया हूँ, और ये देख नीचे ये मेरा शिवलिंग, ये इस पे देख ये जल चढ़ाया हुआ है, अरे पानी कौन चढ़ाया अटे, मैं बैठो रात भर अटे तो अटे पानी ओ क्यों कर चढ़ियो, मां दे जी के थार पात्र देख, जल पात्र, जल पात्र देखा कंधे में जल लटका था वो तो खाली हो गया, हे भगवान ओ पानी अटे के कर चढ़ गयो, अरे महादेव ने कहा भाई ये तूने तो किया अभिषेक, जिस पेड़ पर बैठा है ये बिलपत्र है, ये मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय है, वो तूने चढ़ाए हैं देख, और ये रात्रि शिवरात्रि है, व्याद शिवरात्रि के दिन जान के छोड़ो अजान में भी कोई मेरी पूजा करता है तो मैं उसको दर्शन दे देता हूँ, तूने बराबर नियम से आज शिवरात्रि को पूजा की है इसलिए मैं तुझे दर्शन देने आ गया, और फोन तो मडणी लाग गो थारे, तू नी लगायो पर फोन लाग गो जने आयो देख, अरे मांग वरदान मांग क्या चाहिए, वरदान मांग, बेचारा रुद्र भील घबरा गया था एक बार, लेकिन फिर महादेव की जब पूरी बात समझ में आई तो थोड़ा नॉर्मल हुआ, और महादेव को प्रणाम करके बोला है भगवान मैं आपसे क्या मांगू, लेकिन इतना जरूर मांगता हूं कि मेरी मुक्ति हो जाए, क्योंकि इस जन्म में इस जीवन में मैंने कुछ गलत काम बहुत किए, हमारा जन्म ही ऐसा है जिसमें हमको यही सिखाया जाता है मारो काटो पशुओं को, ये वो यही सिखाया हमको, धनुष बाण चलाओ तीर चलाओ, उसमें कई जीवों की हत्या भी हुई है, कई पाप भी हुए होंगे, बाबा इस योनि से मुझे मुक्त कर दो, मुझे पाप मुक्त करो। महादेव जी ने कहा कि रुद्र थारे थोड़ो सो बैलेंस बाकी है, जे फाइल थोड़ी अधूरी है, इन वास्ते एक जन्म थने लेनो पड़ेला, लेकिन उन जन्म में थारो लेवल इतो बढ़ जाला, इतो बढ़ जाला, तू बनेला तो भीलीज, लेकिन निषाद भील के रूप में तू जाना जाएगा, और तो और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिनके दर्शन के लिए दुनिया जिनके पीछे पीछे भागती है, पर मेरा आशीर्वाद है तुझे
वो राम तुझसे मिलने तेरे पीछे आएंगे और तुझे गले लगाएंगे। उस दिन तेरा जीवन धन्य हो जाएगा, तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, फिर बस वो अंतिम जन्म होगा तेरा। जा मारो वरदान। और महादेव जी वरदान दियो सज्जनों, और वही बात राम कथा से जुड़ती है। जिन समय भगवान श्री राम जी रो वनवास होयो, आज रो दिन भी राम जी जुड़ो है, विजयादशमी रो दिन है दशहरो। जिस दिन राम जी रावण पर विजय प्राप्त किए वो दिन है। सज्जनों भगवान राम जी रो वनवास होयो, वनवास में भगवान अयोध्या शहर से निकलिया है, तमसा नदी के तट पर आया है। रात्रि में अयोध्या लोग विश्राम कर रिया, भगवान रात्रा निकलिया। सुमंत ने कहो खोज मार रथ हाँ कहूं ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। और भगवान राम जी सुमंत के साथ रथ में बैठ कर के सीता जी लक्ष्मण जी साथ में आए हैं। और श्रृंगवीरपुर नाम रो एक नगर है, वठे भगवान पहुंचिया। और उन श्रृंगवीरपुर राजा पिछले जन्म का यही रुद्र भील, उस जन्म में निषाद नाम का भील राजा बना। और वो सवेरे सवेरे घर से निकला बाहर, रास्ते पर भगवान राम जी को देखा, दूर से देख कर के प्रणाम किया। भगवान मैं नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ, लेकिन दूर से करता हूँ, क्योंकि मेरे को आप छुएंगे नहीं, मैं तो भील ठहरा, इसलिए मैं दूर से प्रणाम करता हूँ, मैं मेरी मर्यादा में रहता हूँ। भगवान आप रे कोई अड़ी बात हुए तो मैं थोड़े नेड़ो नहीं आऊं। और महापुरुष छुवे ना, खाली नजर भी डाल दे तो भी कल्याण हो जाता है। शाहों की निगाहों में अजब तासीर होती है, शाहों की निगाहों में अजब तासीर होती है, निगाहें लुत्फ से देखे तो खाक भी अक्सीर होती है। निगाही बात है, सच्चा संत मिल जाए तो बहुत। और ये तो भगवान है, वो दूर से प्रणाम कर। भगवान श्री राम ने दुनिया को संदेश दिया कि नहीं, ये छुआ और छूत का भेदभाव मिटाओ। और उसकी पहली सीढ़ी भगवान राम ने रखी, पहला सोपान भगवान राम ने रखा। राम भले ही अयोध्या के राजमहल में राजा के बेटे बनकर आए हों, राजकुमार के रूप में जन्मे हों, लेकिन वो राजकुमार बनकर के अयोध्या की चार दीवारी में कैद नहीं हो गए। वो आज अयोध्या की धरती से बाहर निकले हैं। और भगवान ने पहला ही अगर किसी के साथ में अपनी मुलाकात की है तो वो भील निषाद के साथ की मुलाकात ही नहीं। राम जी आगे बढ़े, जो निषाद सोया था दंडवत करके चरणों में, उसे उठाया और अपने गले से लगाया और कहा, निषाद तेरी जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। भेद मिटा दिया भगवान। बात रख दी शंकर जी की भी। राम कथा के अंदर ये सब कथा पूरी डिटेल में नहीं है, लेकिन ये शंकर जी की कथा से जुड़ी हुई बात है कि ये पहले रुद्र भील था, उसके बाद अगले जन्म में निषाद बना और राम जी ने उसको चरणों से लगाया, अपने गले से लगाया। और उन दिन रे बाद उन जीवन ही संवर गयो सज्जन, सारे पाप नष्ट हो गए। और ये समझ में आया कि महादेव ने मुझे एक जन्म क्यों दिया, ये इसीलिए दिया था ताकि मुझे राम जी के भी दर्शन हो जाए, मुझे उनका भी सानिध्य प्राप्त हो जाए। और राम जी का दर्शन उसको हुआ, उसके पीछे उसकी कोई ज्यादा साधना भक्ति नहीं थी, सिर्फ भक्ति ही थी जी कि शिवरात्रि दिन भूखोरी हो, शिवरात्रि दिन जल चढ़ायो, अनजाने में, जानबूझ के भी नहीं, अनजाने में अभिषेक पूजा हुआ। बोलो सज्जनों, अगर महाशिवरात्रि के दिन अनजाने में जल चढ़ाने से ये पुण्य प्राप्त हो सकता है तो हम लोग तो भक्त हैं, हम तो जा जाकर बड़े भाव से भगवान की पूजा करते हैं, हमें कितना पुण्य मिलेगा ये कौन वर्णन कर सकता है, उसका कौन हिसाब लगा सकता है। ऐडा है महादेव जी, ऐडा है भगवान शंकर जी। उस भगवान शंकर की पूजा, उस भगवान शंकर जी का वो स्वरूप,
जिनको देखो तो समझदार आदमी ही समझ सकता है, हरेक के बस की बात नहीं है, क्योंकि महादेव जी का रूप ही अलबेला है। सांप, बिच्छू, भस्म, भूतों की टोली, मंडली, बागंबर, डमरू, त्रिशूल और मुंडों की माला, नर मुंड लटका रखे हैं गले में, कोई देखे तो डर जावे भाई यो कौन है। दूर से देखो तो महादेव का रूप बिल्कुल अमंगल लगता है, लेकिन यही तो बाबा की विशेषता है। रूप अमंगल है, पर जो कोई उनकी शरण में जाता है उसके सारे अमंगल दूर हो जाते हैं, जीवन में मंगल मंगल और मंगल हो जाता है। जो जंगल में भी मंगल कर दे उसी का नाम शंकर है, कंकर को भी शंकर बना देते हैं। नर्मदा नदी में आप जाओ तो नर्मदा नदी रा हर कंकर कंकर नहीं, वो शंकर हैं, वो स्वयं ही महादेव का रूप बन जाएगा। ऐसे महादेव हैं। उस शंकर भगवान का ध्यान कर लो तो बेड़ा पार है। इतना सस्ता, इतना सरल और इतना जल्दी भगवान राजी और कठे वाला बोलो कठे ही नहीं बोलो। कितनी छोटी छोटी सिंपल सिंपल बातें हैं, ये किस लिए है? ये समाज को अध्यात्म धर्म से जोड़ने की एक व्यवस्था है। इसलिए शंकर तेरी जटा से बहती गंगधारा, शंकर तेरी जटा से बहती ही गंगधारा, है जोगी अगम अपारा, जोगी अगम अपारा, जोगी अगम अपारा, जोगी अगम अपारा। शंकर भोले शंकर, भोले शंकर तेरी जटाओं से बहती गंगधारा, शंकर तेरी जटाओं से बहती गंगधारा, शंकर तेरी जटाओं से बहती गंगधारा, शंकर तेरी जटाओं से महादेव का रूप कैसा है? तन में भस्म रमाए, मस्तक पर चंद्र सुहाए, तन में भस्म रमाए, मस्तक पर चंद्र सुहाए, है तन में भस्म रमाए, मस्तक पर चंद्र सुहाए, भस्म रमाए, मस्तक पर चंद्र सुहाए, उठ ध्वनि शब्द ओंकारा, उठ ध्वनि शब्द ओंकारा, ज्योति अग्नि अपारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से बहती गंगधारा, शंकर तेरी जटा से बहती तालियां बजाते हुए बड़े भाव प्यार के साथ चल महादेव के चरणों में अपनी हाजिरी लगाइएगा दरबार में, ताली बजाना।
ताली बजाने से फायदा बहुत होता है, ताली बजावे जने हाथ की गड़बड़ रेखा सही हो जाए। अच्छी बात है, कोई ज्योतिष ने हाथ दिखाई जो ज्योतिष हाथ देखेला वो केवला यार थारे तो शनि वाली रेखा गड़बड़े। पछे आप कथा में आओ ताली बजाओ कटी सत्संग भजन हुए वटे ताली बजाओ भगवान रे नाम री ताली। कथा में आओ ताली बजाओ पछे कोई महीने दो महीनों ज्योतिषी मिले तो पाछो हाथ दिखाई जो हाथ दिखाओला तो वो केवला वाह कमाल हो गया शनि वाली रेखा ठीक वो रेखा ही खत्म हो गई क्या किया तुमने। बोले कथा में कीर्तन में ताली बजाई और कुछ नहीं किया। कथा में कीर्तन में ताली बजावे उन्हीं गड़बड़ रेखा सही हो जावेला लेकिन जको नहीं बजावेला उन्हीं सही भी मैंने ठानी। और पॉइंट दबते पॉइंट दबने भी रोग कटे शरीर ठीक हुए ताली बजाने पॉइंट दबे आपने भरोसा नहीं हुए तो योग गुरु बाबा रामदेव जी ने फोन कर पूछ ली हकीकत है। इसलिए बड़े भाव और प्यार के साथ शंकर भोले शंकर तेरी जटाओं से शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगा धारा जोगी अगमय पारा 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 शंकर तेरी जटाओं से शंकर तेरी जटाओं से देती है गंगा धारा। दुनिया में आए हो सज्जनों तो नीलकंठ से बनना सीखो नीलकंठ 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 रो कोई मतलब है महादेव जी जहर पियो इन वास्ते महादेव जी बनिया नीलकंठ जहर पियो पर जहर पियो नी कला तरीका तो देखो। शंकर भगवान ने जहर को पेट के अंदर नहीं ले गए वो अठे राखी रा शब्द सो अठे कंठ में बंद लगायो अठे कंठ में पचे जहर पियो ताकि जहर नीचे नहीं जाए और जहर पीने रे बाद जहर पाछो बारे नहीं आ जाए तो म शब्द सो ऊपर ढक्कन लगा दिया राम नाम के मंत्र से जहर को यहां कर दिया फिट वो जहर रह गया कंठ में तो शिवजी नाम शिवजी का नाम हो गया नीलकंठ क्योंकि कंठ पड़ियो नीलो। ये रो मतलब कही इस प्रसंग के पीछे का सार बहुत समझने जैसा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्या है हकीकत। ये कथा केवल कथा ही नहीं है ये हमारे जीवन की बात है। शंकर जी कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में आए हो भैया तो जहर तो पीना पड़ेगा। हाँ थे नहीं पियो तो मत डाली लोग पाई दे पीना तो पड़ी हो रो गठे दुनिया में जीवनो भाई। अरे जो आदमी इस दुनिया में कुछ करना चाहता है उसको तो जहर पीना ही पड़ता है स्वीकार करना ही पड़ता है। या तो कुछ करो मत और या फिर कुछ करने का ठाना है
तो सारी चुनौतियों स्वीकार करने की भी हिम्मत रखो कि जो होगा अब हम सब देख लेंगे, लेकिन हम काम तो अच्छा जरूर करेंगे। पीना पड़े जहर तो पियेंगे, लेकिन काम अच्छा करेंगे। मंथन रुकना नहीं चाहिए जब तक अमृत निकल न जाए, भले ही कितना जहर निकले तो पिया भाई। कई लोग जहर ने मुंडा में रखे, कई लोग जहर ने पेट में रखे, पर महादेव जी कहो नहीं, जहर ने रखो गले में। जहर है कई वो तो समझो, जहर वही जैसा कोई किनी निंदा कर देवे, कोई किनी ईर्ष्या रखे, कोई किनी बुराई कर देवे, वही तो जहर है। आदमी कई तो रखे पेट में, कई रखे मुंडे में, कई मुंडे में रखे। कोई एक जनो एक ने गाली दे दी हुए तो वो तो एक बार देन छूट गयो, लेकिन वो जिन्हें गाली मिली है नहीं, वो आदमी उन जहर ने मुंडा में रखे। जट जाई वटे आ बात दोहराई के मारे हाथ एड़ी पीती। अरे वो बितोनाड़ो गयो करो मैं तू तो भूल जा, पर वो नहीं भूले। जट जावला वटे केवला एक जनो गाली दे दी तो आगे जाए आप दोस्त करने उन जान के धंधा है भलनो मनियो के दियो मनवियो के दियो मनियो के दियो। तो वो आगलो वही उन आनंद लेवे वो कहे थोने यू के दियो थोने थोने यू के दियो थे इतनी मोटी हस्ती यार थे कितना मोटा आदमी हो थोने कह दियो उन्हें हिम्मत की करोगी सवाल ही नहीं। वो आदमी दो कोटी रो थोने के कर कह सके यार कई कह सके। अरे बोले कह दियो यार धनकून में हकीकत को झूठ थोड़ी को मन्ने कहो बोले कई बोले ओ वो तो क्यों एक बार ओ मैं जटे जाए पचास जगह जाए तो पचास जगह गई। अरे तो तू तो पचास बार बोल दिया यार, पर वो जहर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है मुंडा में बात बैठ गई। हमें वाकई अभी रही जानी मने यूं कह दियो फलानो मने यूं कह दियो मने फलानो यूं कह दियो। अरे कह दियो निकाल देगा बात। और कुछ लोग पेट में रखेंगे वे बोले ला तो कहीं नहीं, लेकिन कोई की कह दे जन बजे तो दौर लगे वे पेट में राख मुंडो बीजो उतार ले क्या तो चढ़ाई लेंगे उतार ले बोले ला कहीं नहीं कि नहीं कोई बतला तो कहीं नहीं के बोला कोई क्या आज कई बात है वो की बात है नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे कीन की तो बात है आज थोड़ी शक्ल के वे है नहीं 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 कुछ नहीं। अरे बजा मैं कह दो गनी बता दो गनी कही हुई हो थोड़े कही हुई हो कह दो गनी जन के ऐसे तो कहीं बोली पर हमें क्यों जाल हमें वो जेर एकदम बाहर निकले। तो पेट में गियोड़ोई कोमरो नहीं और मुंडा में राखियोड़ोई कामरो नहीं। तो जहर को कहाँ रखें, शंकर जी ने कहा मेरी तरह प्रारब्ध समझकर जहर को भी गले से लगा दो कि यार तू भी स्वीकार और जिंदगी का आनंद ले लो। अच्छा पियो तो जहर पर बोलो तो हर्षि सुधा समग्रा उचारी। महादेव कैसे बोलते हैं अमृत तुल्य वचन अपने मुख से निकालते हैं, वैसे आप भी अपने जीवन में अमृत तुल्य वचनों का प्रयोग करिए। पियो जहर पर दो लोगों को अमृत। पर घबराना नहीं, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे। लगनाई अगर आग तो जलते ही रहेंगे। गम किसने दिया, गम जिसने दिया है वही गम दूर कर देगा। गम जिसने दिया है वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जी
जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। आएगा तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। महादेव से सीखने का तुम नीलकंठ कहलाए, तेरे अंग भुजंग सुहाए। 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 त्रिशूल उजियारा, जोगी अगम अपारा। शंकर भोले शंकर, भोले शंकर तेरी कथा में ज्योतिर्लिंगरी कथा आप लोग सुन रहे हैं, जिनमें काले एक ज्योतिर्लिंगरी कथा मल्लिकार्जुन जी आप लोग सुनी।
आज हम एक और ज्योतिर्लिंग की कथा की ओर आगे बढ़ते हैं, और वह ज्योतिर्लिंग की कथा भी बहुत अद्भुत है। नाम तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन शायद सबको कथा नहीं मालूम होगी कि उसके पीछे की कथा क्या है। लेकिन मैं आपने निवेदन करूं, महाकालेश्वर भगवान की कथा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कठे है उज्जैन, अविंद का पुरी जिनके विक्रमादित्य की धरती उज्जैन, वह धरती सांदीपनि ऋषि रो गुरुकुल जठे, सज्जनों वह धरती जठे महाकालेश्वर भगवान विराजय है। भगवान शंकर दादा विराजते हैं महाकाल के रूप में। आकाश तारक लिंगम पाताल हाटेश्वर मृत्युलोके महाकालम त्रिलिंगम नमस्तुते। आकाश में है तारकेश्वर शिवलिंग, पाताल में है हाडकेश्वर शिवलिंग, और मृत्युलोक में है महाकालेश्वर, यानी धरती पर महाकालेश्वर की सबसे बड़ी महिमा है। तो महाकालेश्वर भगवान वोनी कई कथा है, मैं आपने संक्षिप्त में सुना रही। चंद्रसेन नामक राजा है, उन जमाने में वठे उज्जैन नगर में, वे महादेव जी का परम भगत था। राजा चंद्रसेन महादेव जी के परम भगत थे, और रोज मंदिर में अभिषेक करने वास्ते खुद राजा सजा होता, और भी लोग आते थे। राजा अच्छा होता है तो प्रजा ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है, यथा राजा तथा प्रजा। तो खुद राजा महादेव भगत, तो बहुत लोग आवता महादेव जी की पूजा करने। उन नगर के बारे एक गरीब घर सू एक महिला ही उन्हें आगे ला रहे, कोई नहीं, बस उन्होंने एक टाबर हो, उन्होंने नाम हो श्रीकर। ग्वालिन थी वो गाय चरवण काम उन्हें, वाह ग्वालिन आप छोटे से बेटे ने हाथ पकड़ लेना आती मंदिर में, वह भी पूजा करती महादेव जी। पहले दिन लेन आई तो बेटो श्रीकर पूछो मानने की माँ ए कौन है, बोले ए अपने नगर रा राजा साहब है, और राजा है ए कई कर दिया माँ, तो क्या महादेव जी पूजा करें, महादेव जी की पूजा वे महादेव जी कौन है, बच्चा है, बच्चे के मन में बहुत जिज्ञासा है, माँ सब बात बताई बेटा महादेव जी भगवान है। बोले यानी पूजो कई हो, अरे माँ माँ कहो बेटा कई पूछे कई हो वे आने पूजो कई नहीं वे, बोल सब कुछ होता है, ये भगवान है, विद्यावान विद्या चाहिए तो विद्या देते हैं, धन चाहिए तो धन देते हैं, तो स्वास्थ्य देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो छोटो है बेटा थारे विद्या चाहिए, विद्या दी घणी दिमाग दे, पूजा कर राजा पूजा कर दी पूरी, तो माँ बेटा आगे, और माँ अपने बेटा ने हाथ में दल रो दियो कल सो कल पकड़ शिवजी शिवलिंग माथे जब चढ़वा रही है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र जप कर रही है। बड़ी प्रसन्नता से वो बाल श्री कृष्ण ने बहुत शुलागी आनंद आई, अट तो रोज आवण रोज पूजा करनी महादेव जी। छोटा सा बेचा बेटा छोटे छोटे हाथों से छोटे से कलश में लेके महादेव जी को जल चढ़ाता, रोज को बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने उन्होंने मन लग गया, और महादेव जी होगी उन्हें तो दोस्ती बस हमें तो महादेव जी, और रोज तो माँ लेके आती थी श्रीकर का हाथ पकड़ के, और श्रीकर खुद हाथ पकड़ के माँ को लेके आता है कि माँ मंदिर चलो माँ मंदिर चलो। यही तो संस्कार है बच्चों के अंदर, ऐडा संस्कार आना चाहिए सज्जनों, आप रे बच्चों ने मंदिर ले जाओ, उनके हाथों से पूजा करवाओ। मैंने कहा ना बच्चा तो कोरा कागज है, कागज पर गाली भी लिख सकते हो और कागज पर गीत भी लिख सकते हो, ये आपके हाथ में कि आप क्या करना चाहते हो। गौशाला लेके जाएं, मंदिर लेके जाएं, बच्चों का जन्मदिन मनाएं, तो भी उन्हें ऐसी जगह ले जाकर के जन्मदिन मनवाएं। केक काटने से तो अच्छा है कि आप मंदिर में बच्चे के हाथों से आरती करवाएं,
एक कटेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन मंदिर में आती करेगा तो पाप कटेगा, पाप कटेंगे उसके, जीवन धन्य होगा उसका, ये संसार सुंदर रहेंगे। हमारी संस्कृति दीपक जलाने की है, इसलिए दीपक जलाइए। जन्मदिन है उस दिन तो बच्चे के हाथ से दीपक जलवाने चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है, हमारा साहित्य कहता है, जलाओ दिए पर ध्यान रहे इतना कि अंधेरा ग्रह पर कहीं रह न रहे। ये संस्कृति है हमारी। अरे आपका कोई होशिया नहीं है, हमें दिया नहीं, कोई कुछ कुछ नहीं है, होकर के उसको अपना रख गए। अरे वो तो मोमबत्ती जला के फिर उसको बुझा देते हैं, तो मार के बुझाने का मतलब तो अंधेरा कर दिया। जिसने जन्मदिन के शुभ अवसर पर मोमबत्ती को बुझा के अंधेरा कर दिया तो वो जीवन में क्या प्रकाश करेंगे। पर हमारी संस्कृति कहती है जन्मदिन दीपक जला करके मनाओ, ताकि माँ भी रोशन हो जाए तुम्हारे जीवन में भी रोशन हो जाए। ये संस्कार की बात है, तो संस्कार देना टारो न थे जड़ा ही कल्ला टावर आही के खुद माने फुर्सत नहीं मंदिर जाने उधर गई ही का श्रीकर की माँ लेकर के जाती है अपने बेटे श्रीकर को मंदिर में, बहुत मेरी को ले गई धीरे 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 थोड़ा थोड़ा मोटो हो। एक दिन माँ को बेटा हमें मंदिर मंदिर को रूम दे, मैं रोज लेन जाऊं आर्यान रे पढ़ूं, कितना दिन तुम आर्यान रे पढ़ रहे हैं, कितना दिन तुम हमारे आर पढ़ रहे हैं, हमें मौकों के चले ब्रिजड़ों के हमें एक ले जा और जा कर ले गाया चाहूं मैं वास्ते एरी गाया आरी लकड़ी रोई गाया चल रहा उन्होंने पया मिलता तो बुझा तो गरीब थे ना, ऐसे ऐसे चलता है और माँ भी लाने कर परसियाँ परसियाँ सो मजबूरी और सबसे मारी थी खुद को मैं क्या काम करती थी और वो बच्चे को गायों के लिए बेच थी। तो श्रीकर ने सुंदरसा ने आज माँ पकड़ा दी गया, श्रीकर विचार कर लो माँ को मैं गाया पकड़ा मंदिर तो लेने गई आज आज मंदिर नहीं भेजा मंदिर नहीं, अरे माँ तो आज मैंने मंदिर लेने कोई बात कल